मेरा नाम है विजय संकेश्वर, हुबली का हूँ मैं, कर्नाटक में आता है हुबली। मैं 48 इयर्स के पहला एक गाड़ी से शुरुआत में चालू किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ब्रांच भी खोलते गए, गाड़ी भी इंक्रीज करते गया। कम से कम 10 साल तक बहुत नुकसान बहुत ना भुगतना पड़ा, बहुत कष्ट में था। बाद में थोड़ा पिकअप होने के बाद पहला हम थोड़ा 50-100 ब्रांच कर्नाटक में किए। ये जो मेरा ब्रांच लिस्ट है अभी देता हूँ, मैं अभी बाद में देता हूँ। वो कर्नाटक में किया, बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जैसा जैसा कस्टमर डिमांड करते हुए आया, सब जगह से अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। अभी हमारा 1200 ब्रांच है इधर जम्मू, श्रीनगर से पकड़ के साउथ त्रिवेंद्रम तक, और सौराष्ट्र राजकोट से लास्ट नॉर्थ ईस्ट अगरतला। तो ऐसा कि तमिलनाडु से आप अगरतला गए तो करीबन 5000 किलोमीटर होता है, इतना लंबा गाड़ी हम चलाते। और 6200 खुद का गाड़ी है, उसमें 6200 में 9000 ड्राइवर्स है एंड अबाउट 6000 लेबर्स है, और स्टाफ है बाकी वाले स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर और सभी है। हमारा कंपनी छोटा छोटा बढ़ते बढ़ते लिमिटेड कंपनी हो गया, बाद में 9 साल हो गया अभी लिस्टेड कंपनी किया। मेरा फैमिली का शेयर है 64% एंड पब्लिक का शेयर है 36%, एंड बहुत सिस्टम से काम हो रहा है। हम हर जगह में अभी भी पूरा इंडिया कवर करने के लिए अभी भी मेरे को कम से कम 15-20 साल लगता है। अभी सोचिए यूपी में मेरा 50 ब्रांच है, एक्चुअली यूपी में वो बिजनेस का हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे को कम से कम 300 ब्रांच करना है। मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये लोकल कंपनी नहीं है, ये नेशनल वाइड ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इसके 1200 ब्रांच है ऑल इंडिया में। हमारी यहाँ लोकल कंपनियाँ चलती है दिल्ली श्रीनगर, जलंधर श्रीनगर, लुधियाना श्रीनगर, ये वो कंपनी नहीं है। इन कंपनियों का फ़ायदा है व्यापारी लोगों को, एक तो माल टाइम पर आता है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग, ज़्यादा हमारे जो लोकल हैं उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका बड़ा कंसर्न है, तो ये बड़े लिस्टों में हैं। नतीजा ये है कि जब इनको लोग माल देते हैं उनको भी दिमाग में रहता है हमारा माल सेफ है। और 1200 ब्रांचों से माल लाना कश्मीर की छोटी बात नहीं है। मैं छोटा ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं क्या लाऊंगा। आप इस बात को मानेंगे कि इससे जो छोटे ट्रांसपोर्टर है, लोकल ट्रांसपोर्टर है, उन्हें कंपटीशन भी ज़्यादा लेना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, उनका बिजनेस किसी और ट्रेंड का है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने अपना काम सस्पेंड रखा है। वजह यह है कि जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं उनका बिजनेस का ट्रेंड ही दूसरा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलता है, लिहाजा उनको इनके साथ मुकाबला की कोई बात ही नहीं है। क्या मुकाबला करेगी, इनके पास 6500 गाड़ियाँ हैं अपनी, इनकी 6500 गाड़ियाँ हैं जो मोनोपोली रहेगी। फिर कुदरती जब इनकी गाड़ियाँ हैं, फ्लीट है, माल आता है टाइम पर, किराया मुनासिब होता है, जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा है, माल डैमेज हो जाएगा ये क्लेम देंगे। लोकल ट्रांसपोर्टर हमारे ऐसा नहीं करते। हाँ बिल्कुल है, उसके लिए मैं एक अर्ज़ करूँगा। मैंने बारहा सरकार से बोला, हमारी जे एंड के गवर्नमेंट को, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो पहले जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे, जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, आपने नाम सुना होगा DN कोल, आपने नाम सुना होगा SSLE था, आपने नाम सुना है मनमोहन वजीर था, ये रहे हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये बड़े ऑनेस्ट लोग थे, ये यहाँ पर गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को अलाउ नहीं करते थे। ये बोलते थे भाई हमारा रोड कमज़ोर है, इस पर बड़ी गाड़ी, वजनदार गाड़ी नहीं चल सकती। आज ऐसा मुसीबत आया, एक तो सड़कें कुशादा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है कर रही है, हमारे लिए अच्छा है,
टनल बना रही है, बहुत अच्छा है, मगर रोड पर गाड़ी चलाते हैं जब पहले हम गाड़ी जो चलाते थे उससे 4 गुना वजन ज़्यादा, मतलब 300 टन लेकर गाड़ी चलती है, ये रोड कहाँ रहेगा। मैंने बड़े एक आईजी साहब था उसके साथ मैंने एक दफ़ा डिस्कस किया, मैं कहा आईजी साहब आपको पता नहीं है, आप फील्ड में आइए देखिए क्या हो रहा है, हमारा यहाँ फ्रूट का 1 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, वजह यही हुआ कि हमारी रोड पर गाड़ी नहीं चल सकी, ये बड़ी गाड़ियों को अलाउ करती है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये बड़ी गाड़ियों को यहाँ बंद करे, जो 300 टन 400 टन गाड़ी लेती है उसको बंद करे, यहाँ उसको आना ही ना दे, छोटी गाड़ियाँ आ जाए हज़ारों आ जाए कोई बात नहीं, मगर ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये हमारा रोड डैमेज कर देती है।